वेलकम बैक गाइस। राज ठाकरे ने कहा है बैनर्स और होर्डिंग्स नहीं लगने चाहिए, बस सम्मानित लोगों के होर्डिंग्स ही लग सकते हैं। सम्मानित मतलब कि कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, डीएमके नहीं, लेफ्ट नहीं, बेसिकली सिर्फ ब्लैंक बैनर्स ही लग सकते हैं, या फिर सम्मानित लोगों में दाऊद इब्राहिम, कसाब, आरएसएस या छोटा राजन, ये लोग भी हैं। लंदन के एक सर्वे में रणबीर कपूर को सेक्सीएस्ट एशियन मेल का खिताब दिया, जिसमें उन्होंने ऋतिक और जॉन इब्राहिम को हराया है। इस बात से जैकी चैन और रजनीकांत काफी नाराज हैं। उनका कहना है, चूतियों ये अभी बच्चे हैं, तुम लोगों को पता नहीं सिर्फ 50 के बाद ही एशियन मेल्स सेक्सी होते हैं, अबे सेक्स के बारे में सोच सोच कर ही तो उनके बाल झड़ जाते हैं। पाकिस्तान में नए साल की शुरुआत करने के लिए कई लोगों को अपनी फेवरेट शराब की बोतल ली, क्योंकि पाकिस्तान में शराब बैन है। शराब बैन है, फिर भी यूसुफ रजा गिलानी ऐसे ड्रंकन स्टेटमेंट्स देते हैं। यस, दे आर हाई ऑन स्ट्रिक्टली नॉन अल्कोहलिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि नए साल में अब देसी शराब महंगी होगी। मतलब ये साले शराब भी प्याज से बनाई है, हर्रा दो प्याजा, तो प्यासे को प्याजा पिला, बहुत प्याज लगी है भाई, प्लीज। यार सरकार को हो क्या गया है? अगली बार वोट चाहिए कि नहीं? इन लोगों को, इन्होंने वो स्कूल में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी पढ़ी थी कि नहीं? एक बार में पेट काट दोगे तो बाद में क्या करोगे? और do these idiots actually believe कि 2012 में दुनिया का अंत होने वाला है, इसलिए जनता को 2012 से पहले ही पूरा लूट लो। I think the Indian government is obsessed with 2012. They want to make sure दुनिया का 2012 में अंत होना हो, इंडियंस का तो होना ही चाहिए। भोपाल में सरकार ने कहा है कि अगर बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो नसबंदी के लिए 5 लोगों को राजी करना पड़ेगा। मतलब अगर एक नली पे कंट्रोल रखोगे तभी दो नली मिलेगी। क्या चाहती क्या है ये सर? पहले नसबंदी करके लोगों को पैदा मत होने दो, और जो साले जिंदा बचे उनके लिए हाथ में बंदूक थमा। प्याज से नहीं मरे तो कम से कम गोली से तो मरेंगे। अगेन आई थिंक दे रियली बिलीव इन 2012 एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे क्यों पैदा करना चाहते हो भाई? एक साल में तो मरना है, ज्वालामुखी फटकर मरने से अच्छा है गोली खा के मरना। एनीवे, मूविंग अवे फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट्स एपोकैलिप्टिक ऑब्सेशंस, मिलते हैं ऐसे लोगों से जिन्हें फ्यूचर की छोड़ो प्रेजेंट में वो खुद क्या कर रहे हैं उसकी भी हवा नहीं। पिछले दिनों ताऊ की सेना मतलब गुज्जरों ने आरक्षण को लेकर सारे रेल रूट जैम कर दिए। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात हुई, तो मिलते हैं आज श्री आरक्षण सिंह। हाँ जी, यही नाम है उनका। ये देखिए आगे। प्रणाम श्री आरक्षण जी, कैसे हैं आप? अरे बावड़ा होली है क्या तू? और थारे को दिखे कौन ही है? नहीं नहीं, दिख तो रहा है। मेरे कहने का मतलब है हवा पानी कैसा है? ऐसे हुआ हवा पानी को, हवा में अब भी हुक्के का धुआं है और पानी में रोज रात में देसी मिलती है। ये बताइए कि आरक्षण के लिए ट्रैक्स को जैम क्यों किया जा रहा है? लोगों को कितनी परेशानी होती है? भाई रे, परेशानी का ना पता है, पर ताऊ मतलब हम गुज्जर लोगों की बुद्धि तो ऐसी होवे, जहाँ हुक्का लेके बैठते हैं अब वहीं जम जावे। तो फिर भी यार एक बार तो सोचना चाहिए ना। अरे मारी मोटी बुद्धि में सोचने की कोई जगह ना बनाई भगवान ने, और जे बात मतलब सोचने वाली है तू सरकार को बता कि सोचे आरक्षण देने के बारे में। अच्छा चलिए, ये बताइए कि विरोध के लिए ये रेल की पटरियां ही क्यों चुनिया? भाई रे, हमारे गांव की 100% जनता सुबह सुबह पटरियों के किनारे बैठती है, तो हमारे नेताओं ने सोचा कि इतनी भीड़ इकट्ठा करना कहीं और पॉसिबल ना है,
गांव वालों का और हमारा दोनों का काम एक साथ हो जावे। बल्कि अब तो गुज्जर नेताओं ने एक फरमान भी जारी किया है कि आधी गांव की जनता सिर पर शाम को ही लोटा लेकर पटरियों पर बैठेगी। अच्छा, मतलब विरोध के साथ गंदगी। अरे बावड़े, विरोध के साथ गंदगी ना, गंदगी के साथ विरोध। वैसे वो गंदगी ना है, हम खाद बनाते हैं, एक नंबर की खाद, जो वहां से उड़कर पटरियों के पास वाले खेतों में जाती है। तो पटरियों को जाम करना गैर कानूनी है ना जी? ना, कोई कानून नहीं कहता है कि आप सोच के लिए खुले खेत में ना जा सकते हैं। और सरकार को इतनी चिंता है तो क्यों ना बना देती है हमारे घरों में टॉयलेट। ये टॉयलेट की बात कहां से आ गई? अरे हमारा विरोध इसी मुद्दे को लेकर के तो है भाई, घरों में टॉयलेट बनवाओ टॉयलेट। मतलब आपको पता नहीं है ना ही कि आपके गुज्जर नेताओं ने आप लोगों को बताया कि कौन से आरक्षण की बात है? देख भाई, हम सब गुज्जर एक हैं। हमारे नेताओं ने नहीं बताया कि विरोध किस बात का है, पर हमें मालूम है कि टॉयलेट के लिए यह आरक्षण होगा। अरे मोटी बुद्धि, के बोला रे तू? नहीं जी, नहीं, कुछ। और हमारे आरक्षण का एक और मुद्दा है, दूसरी किसी भी जात वाले को पटरी पर करने या धोने ना देवेंगे हम, जिसे देखो हमारे इलाके में आकर के करके चला जाता है। हम चाहते हैं कि 25% पटरियों पर लिखवा दिया जाए सिर्फ गुज्जरों के करने के लिए। इसका दिमाग खाली है और पेट खाली करने का रिजर्वेशन मांग रहा है ये चूतिया। और चलो दिमाग ना चाट हमारा, समझा के? मन ने बहुत जोर की लगी है, सुबह वाली मन ने धोनी भी है ना अभी। अच्छा हुआ कि हमने आपको स्टूडियो में नहीं बुलाया। कसूर बच गया। आप आराम से बैठिए, मतलब कीजिए, हम अपनी बुद्धि को शांत करते हैं। वी विल बी बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक विद सविता भाभी, गाइस। हाँ, चिल्ड्रन।